अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन फॉर नॉन ईयू स्टूडेंट्स विद रेजिडेंसी अब्रॉड हु विश टू इनरोल इन अ डिग्री प्रोग्राम एट यूनिवर्सिटी ऑफ नेपल्स फेडरिको टू। अगर हम नीचे आ जाएं तो नीचे इन्होंने यही बताया हुआ है कि जी कि जो प्री इनरोलमेंट प्रोसीजर है वो मैंडेटरी है नॉन ईयू स्टूडेंट्स के लिए। फिर उन्होंने प्रीलिमिनरी चेक्स का आपको बताया हुआ है। एक तो उन्होंने ये आपको बताया कि जी आप जो डेडलाइन है वो इसकी है 21st of June 2024। इससे पहले पहले आपने प्री इनरोल होना है यूनिवर्सिटी की साइट पे। और वीज़ा जो आपको मिलना चाहिए वो आपको 29 नवंबर 2024 तक मिल जाना चाहिए। इस तरह देखिए उन्होंने नीचे बताया हुआ है, आर यू मास्टर 2 ईयर्स MSc प्रोग्राम लेवरा मजस्ट्राले प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट। तो इसके बारे में उन्होंने बताया हुआ है कि जी आपको यूनिवर्स इटली के प्लेटफॉर्म पे इनरोल होने से पहले, जैसे प्री इनरोलमेंट हम बोलते हैं, आपने पहले उससे एक प्री एक्सेप्टेंस लेटर लेना है इशूड बाय द कोर्स कोऑर्डिनेटर। नीचे फिर उन्होंने लिखा हुआ है कि आप विजिट करें रेलिवेंट डिपार्टमेंट को प्रोग्राम की वेबसाइट पर, तो या तो आप कोर्स कोऑर्डिनेटर से आपको वो मिलेगा, देना तो बेसिकली उसी नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा तरीका आपने फॉलो करना है जो तरीका आपको डिपार्टमेंट की साइड पे मिलेगा। जैसे उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू गेट इन्फो अबाउट द एवेल्यूएशन प्रोसेस इफ़ एनी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हर डिग्री के अंदर एडमिशन लेने का तरीका थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, कई के अंदर वो आपसे एक फॉर्म वगैरह फिल करवा रहे हैं, कई के अंदर वो आपसे कोई फॉर्म फिल नहीं करवा रहे। आपने कोर्स कोऑर्डिनेटर के ऊपर जाके सिंपली उसको ईमेल करनी है, और इस तरह आपने प्री एक्सेप्टेंस लेटर लेना है। इसलिए कि प्री एक्सेप्टेंस लेटर ज़रूरी है प्री इनरोलमेंट से पहले। नीचे फिर उन्होंने और चीज़ें इस तरह करके बताई हुई हैं कि जी B2 लेवल आपके पास होना चाहिए, वो ज़ाहिर है आपके पास है, इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट। और फिर नीचे इन्होंने ये लिखा हुआ है, डू आई नीड अ डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू DOV और सीमिया सर्टिफिकेट बिफोर द प्री इनरोलमेंट। तो उन्होंने लिखा हुआ है यस, आपको ये चाहिए इससे पहले जब आप प्री इनरोलमेंट करेंगे तो आपने DOV या सीमिया आपने साथ उसके लगाना है। तो ये अब इन्होंने इस तरह करके इन्होंने लिखा हुआ है। तो जैसे जब आपका फ़र्ज़ किया वो आपको कंफर्म कर देते हैं जी हम आपको एडमिशन दे रहे हैं, जैसे आपको प्री एक्सेप्टेंस लेटर जब मिल जाता है तो फिर आप अपने सीमिया को अप्लाई कर दें। लेकिन सीमिया जो है अभी तक बनना शुरू नहीं हुआ, मैंने उसकी आज भी उसकी साइट को चेक किया है, लेकिन जैसे ही वो बनना शुरू होता है तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, अभी लेकिन वो शुरू नहीं हुआ। नीचे फिर उन्होंने बाकी उसकी चीज़ें बताई हुई हैं, कैन आई मैट्रिकुलेट आफ्टर द प्री इनरोलमेंट। तो उन्होंने कहा है कि नहीं, आप प्री इनरोलमेंट के बाद नहीं होंगे, इसलिए कि आपको बाकी उसके प्रोसीजर वगैरह भी फॉलो करने पड़ेंगे, फिर ही आप इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं। फिर प्री इनरोलमेंट प्रोसीजर के बारे में उन्होंने बताया हुआ है, और फिर उन्होंने पार्ट टू बताया हुआ है प्री इनरोलमेंट का। उन्होंने बेसिकली बताया कि 3 स्टेप्स इसके होते हैं। एक तो है कि जी आपने अपने कंप्लीट आपने पर्सनल डाटा करना होता है। जब आप मेरी प्री इनरोलमेंट की वीडियो देखेंगे आपको पता चल जाएगा, इसके पहले स्टेप में आपने ये करना होता है, अपने सारा डाटा वगैरह आपने वहाँ पर एंटर करना होता है, फिर आपने कम्प्लीट द डिटेल, आपने अपने कौंसलेट या एम्बेसी वगैरह को वहाँ पर सिलेक्ट करना होता है जिसके ज़रिए आपने वीज़ा अप्लाई करना है, फिर आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने होते हैं। मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर बड़ी एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके वो देख सकते हैं। ये देखिए उन्होंने वैसे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बताए हुए हैं कि आपकी मार्कशीट हो गई, आपको ये चीज़ें साथ लगानी होती हैं, ये उन्होंने यहाँ पर उसकी डिटेल तफसील सारी दी हुई है। ये वही है जो मैंने ऑलरेडी आपको पता है, इसका लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा ताकि आपको पता चल जाए कि ये इसके अंदर क्या कह रहे हैं। बस बाकी इन्होंने ये इस तरह की चीज़ें दी हुई हैं, और ये देख लें ये जो है इन्होंने बताया हुआ है 24 और 25 के लिए सारी डिटेल है। अभी हम चलते हैं प्रोग्राम के अंदर जिसके अंदर अभी आपने अप्लाई करना है। अभी मैं आपको जिस प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करने का तरीका बता रहा हूँ वो है डेटा साइंस। आप इसके ऊपर क्लिक करें, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। जैसे उन्होंने आपको बताया हुआ था, अगर तो वो कोई फॉर्म वगैरह आपसे फिल करवा रहे हैं तो आप फिर उस तरीके के साथ प्री एक्सेप्टेंस लेटर लें या प्री एडमिशन लेटर लें, लेकिन अगर वो आपसे कोई फॉर्म वगैरह फिल नहीं करवा रहे प्री एक्सेप्टेंस लेटर
या प्री एडमिशन लेटर के लिए। जैसे इस साइड के ऊपर अब आएँ, ये जो प्रोग्राम है डाटा साइंस डिग्री कोर्स मुजस्त्राले, इसके ऊपर आप देखें यहाँ पे जो उन्होंने लिंक बेसिकली दिया हुआ है, मैंने इसको ओपन करने की कोशिश की है लेकिन ये जो लिंक है काम नहीं कर रहा फिलहाल। हो सकता है इनका कोई टेक्निकल इशू हो इसलिए ये जो लिंक है ओपन नहीं हो रहा, या हो सकता है परमानेंट इन्होंने कोई चेंजिंग कर रहे हो या कोई लिंक बदल गया हो या कोई मसला, मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल ये जो लिंक है इस वक्त काम नहीं कर रहा। तो बाकी भी अगर आप इसकी चीज़ें देखें तो इस पेज के ऊपर आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। अगर आप इसको भी क्लिक करें, इसको सिर्फ आप जब इसको कोर्स की डिटेल को अगर आप क्लिक करते हैं, ये लिखा हुआ है कैलेंडर एंड डिटेल, इसके ऊपर भी कुछ नहीं आ रहा, इस पर भी कुछ नहीं आ रहा, इस पर भी कुछ नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है सिर्फ आपको यही डिटेल मिलती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट पर्सन, जो कोर्स कोऑर्डिनेटर है। इस ईमेल के ऊपर आपने ईमेल करनी है और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपने इनको भेजने हैं। जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जी हर वीडियो में आपको पता है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के लिए उनको चाहिए होते हैं, आपने वो सारे डॉक्यूमेंट्स इनको भेजने हैं। आपने कोई डॉक्यूमेंट्स के अंदर मिस नहीं करना। और इसके अलावा अगर आपके पास अपनी एजुकेशन से रिलेटेड भी अगर आपके पास कोई भी जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं आपने वो सारे भी इनको भेजने हैं। इस तरह करके आप इस डिग्री के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। जब आप इनको ये अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भेज देंगे इस ईमेल एड्रेस के ऊपर कोर्स कोऑर्डिनेटर को, तो वो आपको एक प्री एक्सेप्टेंस लेटर या प्री एडमिशन लेटर इशू करेगा। अगर तो उसे लगा कि जी आप ठीक हैं इस कोर्स के लिए आपको एडमिशन देना चाहिए तो वो आपको इशू कर देगा, वरना वो आपको बता देगा नहीं जी आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं हैं, आप किसी और कोर्स के लिए अप्लाई करें। और इस यूनिवर्सिटी के अंदर आप जितने मर्जी कोर्सेज के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि जी मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं। मसलन कि आप पहले एक में, अगर आप चाह रहे हैं कि जी आपको लगता है कि आप तीन चार इसके अंदर कोर्स हैं डिग्रीज हैं जिसके अंदर आप एलिजिबल हैं, तो आप चारों को कर सकते हैं। मैं हर एक के ऊपर अलग-अलग वीडियो बना रहा हूँ, मैंने दो तीन पे ऑलरेडी बना चुका हूँ, अभी ये मैं एक और पे बना रहा हूँ, इसके बाद मैं और पे बनाऊँगा। इस तरह मैंने आज या कल के अंदर मैंने सारी कंप्लीट कर दूंगा, जितने ये कोर्स करवा रहे हैं सबके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। इस तरह करके आप इनके अंदर इन कोर्सेज के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और इसके अंदर भी आप इस तरह अप्लाई कर सकते हैं डाटा साइंस के अंदर। बाकी अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।